कागान नरान पांच माह लॉकडाउन के खुलने के बाद नरान कागान में सयाहों की आमद से रश बढ़ गई। में सयाहों की रश की वजह से नरान होटल के कमरे फुल। मुल्क भर से गर्मी से सताए हुए सयाहों की फैमिली और दोस्तों के साथ नरान कागान का रुख। नरान में सयाहों की रश बढ़ गई। नरान कागान होटल में कमरे कम पड़ गए। लोगों ने खूब डांस मस्ती की और हल्ला गुल्ला किया। दूसरी तरफ गर्मी से सताए हुए पाँच माह से लॉकडाउन की वजह से एकदम हुकूमत को सयाहों को ओपन करने से पूरे मुल्क से सयाहों की कागान नरान में रश बढ़ गई। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है सयाहों की बड़ी तादाद ने नरान कागान का रुख किया है। जैसे कि हम अभी आ रहे थे नरान से, तो नरान के अंदर भी ट्रैफिक की यही सूरत हाल थी। आगे हम आए पटाकुंडी की तरफ, पटाकुंडी में भी यही सूरत हाल थी, चनखट के अंदर भी यही सूरत हाल थी, बैसर के अंदर भी यही सूरत हाल थी। अब हम पहुँच चुके हैं गिड़ीदास के अंदर भी यही सूरत हाल है। ट्रैफिक शदीद जाम है और गाड़ियों की बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सयाहों ने बड़ी तादाद में यहाँ का रुख किया है, लाखों की तादाद में, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में सयाहों ने यहाँ का रुख किया है। और गर्मी की जो शिद्दत थी उसे कम करने के लिए, लोग इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन गाड़ियों की जो लाइन है आपको बैक साइड पर नज़र आ रही है, बहुत बड़ी लाइन है। तो आप दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा इस साइड भी गाड़ियों की बड़ी नरान कागान साल 2020 पाकिस्तान के लिए सियाहत का साल था, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना वायरस की वजह से इस साल कागान नरान सीज़न ख़राब कर दिया। सिर्फ दो माह के सीज़न बाकी रहा, जो हुकूमत ने सियाहत के लिए खोलने का ऐलान करके कागान नरान का माशी कत्ल होने से बचा लिया और बाकी मुल्क भर से आने वाले सयाहों को दो माह में वादी कागान नरान, बाबूसर टॉप, जी सैफ मलूक सैर करने का मौका मिला। जो अपने और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ मुल्क भर से आने वाले सयाहों ने एंजॉय की और खूब मौज मस्ती की और हल्ला गुल्ला किया। हुकूमत के इस इकदाम से न के पूरे मुल्क से सयाह बल्कि कागान नरान के ताजिर बरादरी और होटल सेशन और जीप सेशन और आम आवाम ने बहुत सराहा।